जी दोस्तों वेलकम है आपका न्यू वीडियो में और दोस्तों जैसे आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा आज की वीडियो का टॉपिक है जो स्कैम होता है बीक में उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा उसके जो उसकी इन्फॉर्मेशन है कि फ़्रॉड कैसे होता है आपके साथ दोस्तों आप लोग जो हैं जैसे कि बहुत भाइयों को मुझे भी ऐसा ही था बहुत भाइयों को शौक है बीक का और बीक के शौक़ में दोस्तों जब आप इंटरनेट पर या कहीं भी किसी पोस्ट पर देखते हैं कोई पोस्ट डाली होती है किसी ने कि पैरेट बीक दो हज़ार में पैरट बीक जहाँ अपना तीन हजार में पैरट बीक विद डिलीवरी एक्स्ट्रा ऐसे कुछ मतलब डाला होता है जो फ्रॉड होते हैं लोग वो ऐसा करते हैं दोस्तों और आपसे पैसे जो है वो डलवा लेते हैं और बाद में जो बर्ड्स होते हैं वो नहीं भेजते सो बहुत भाइयों के साथ फ़्रॉड हुआ है मुझे बहुत भाइयों की जो है वो कॉल आती है कि हम हमारे साथ ऐसे अदर स्टेट में फ़्रॉड हुआ क्योंकि दोस्तों मैंने भी पैरेट बीक जो है पंजाब में कई जगह सेल किए हैं पंजाब में जो मेरे द्वारा जो ब्रीड है होम ब्रीड है मैंने पैरेट बीक बहुत सेल किए हैं बहुत जगह किए हैं अदर स्टेट में दोस्तों मैं करता नहीं क्योंकि मुझे ना आपको पता है मेरा कोई ये बिज़नेस नहीं है शौक़ है मुझे अच्छे लगते हैं जैसे आप भाई देखते हैं मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी ऐसी ब्रीड एक पालूँ वैसा ही है मेरा भी कोई ये मेरा बिजनेस नहीं है लेकिन जब ज़्यादा ब्रीड हो जाती है ज़्यादा चिक्स हो जाते हैं तो फिर मैं सेल कर देता हूँ सो so, कई भाई कमेंट करते हैं कि पैरेट बी के चिक्स हैं मिल जाएंगे भाई पैरेट बी के आप वीडियो दे, देखते ही हैं जो भाई पुराने चैनल के साथ बने हैं आपको पता ही है कि अभी भाई जो भी ब्रीड रखी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के लिए रखी है कोई ज़्यादा बर्ड नहीं है मेरे पास दोस्तों आप देख ही सकते हैं कुछ ज़्यादा बर्ड नहीं है जो पैरेट बी के बर्ड हैं वो सिर्फ लिमिटेड बर्ड हैं कई बार यूट्यूब पर ऐसे चैनल हैं जो हमारे जो भाई हैं उनको जो है लूटते हैं लूटते वो ऐसे हैं कि वो ब्रोकर होते हैं दोस्तों वो जो है आप अदर स्टेट में बैठे होते हैं और डिफरेंट स्टेट से आपको बर्ड उठवा देते हैं मतलब वहाँ से डिलीवर करा देते हैं आपकी जो लोकेशन पर लेकिन वो बर्ड्स जो होते हैं वो बिल्कुल लो क्वालिटी के होते हैं और लो प्राइस के होते हैं और बीच में वो पैसा लेकर और आप लोगों को जो है वो जो है फ्रॉड कर लेते हैं आपके साथ सो बाद में भाई आप कहते हैं कि ब्रीड जो है हमने ली थी इतने में ली थी आप इतना रेट बोलते हो हम इतने में लेते हैं भाई जो मेरे पास पैरेट बीक हैं उनका जो है क्वालिटी के हिसाब से रेट है टेम्पर टेल लॉन्ग टेल और फैन टेल जो बर्ड होते हैं उनका डिफरेंट कलर के वाइज भी रेट होता है और क्वालिटी के वाइज भी रेट होता है जो पैरेट बीक है उसका दो जो मेन होती हैं वो होती है कलर और क्वालिटी ठीक है कलर पर भी रेट होगा और क्वालिटी पर भी रेट होगा ठीक है जो ताज होगा उसका रेट और होगा और जो ठीकर होगा उसका रेट और होगा ताज को उचीपू बोल देते हैं तामिल में तो इसमें कलर आते हैं वो उनका भी डिफरेंट होता है नूलन पोंड्रम कीरी रेड कीरी ऐसे कलर आते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं सो उनका रेट भी डिफरेंट होता है कलर वाइज भी रेट इनका इधर उधर होता रहता है बाकी जो भाई कहते हैं कि स्टार्टिंग प्राइस क्या होता है स्टार्टिंग प्राइस जो होता है भाई इनका स्टार्टिंग प्राइस कोई नहीं है स्टार्टिंग प्राइस इनका जो होता है वो एज क्वालिटी और कलर पर डिपेंड होता है इनका प्राइस कुछ दो हज़ार से शुरू होकर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एक बीस दिन के बच्चे का प्राइस जो होता है वो भी कुछ पच्चीस तीस हज़ार तक जाता है ठीक है पचास पचास हज़ार तक भी जाता है जो शो लाइन के बर्ड होते हैं उनका बच्चों का प्राइज़ ही इतना होता है दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना प्राइस हो जाता है जी और बड़े बर्ड तो दोस्तों बहुत बहुत महंगे हैं लेकिन जिन भाइयों ने एक बढ़िया ब्रीड रखना चाहते हैं दोस्तों मेरी भी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्ड है वो अवेलेबल करा सकूं और करा भी मैं ब्रीड को ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्वान्टी में और क्वालिटी में करना चाहता हूँ कि मेरे पास भी ब्रीड क्वान्टी में ज़्यादा हो जैसे हमारे यहाँ पंजाबी असील होते हैं दोस्तों वैसे ही मैं चाहता हूँ कि पैरट बीक भी बहुत ज़्यादा आम हो जैसे जर्नल मिल जाते हैं वैसे ही बीक मिले सो ये मेरी कोशिश है बाकी आप दोस्तों चैनल के साथ बने रहें अगर कोई भी आपको चिक्स की अपडेट होती है तो मैं ज़रूर आपको वीडियो में देता हूँ कोई भी हैच कोई बैच नया आता है सो आपको पता ही है बाकी ब दोस्तों जो बर्ड है वो मेरे शौक के लिए रखे मैं भी आपकी तरह एक शौकीन आदमी हूँ एक अच्छे क्वालिटी के बर्ड्स रखना चाहता हूँ